नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजी में दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एम एस सी एग्रीकल्चर बी एच यू बी एच यू का ये पेपर है किसका एमएससी एम एस सी एग्रीकल्चर 2017 का सेट नंबर फर्स्ट है इसके सॉल्व के बारे में इसके सोलूशन के बारे में हम लोग कंप्लीटली यहाँ पर एनालिसिस करेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और लास्ट तक बने रहिएगा यदि आपको पूरा सलूशन कर प्राप्त करना है या इसका पूरा हल प्राप्त करना है और आप सभी को पता होगा एक क्वेश्चन तीन नंबर का होता है बी एच यू एम एस सी एग्रीकल्चर का और हर एक गलत उत्तर के लिए आपका एक अंक डिडक्ट किया जाता है अर्थात माइनस मार्किंग की व्यवस्था इसमें लागू रहती है चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन टोटल नंबर रहेगा कितना टोटल नंबर रहेगा 120 क्वेश्चन और जिसमें सभी पे रहता है अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन ईच ईच क्वेश्चन का इज तीन थ्री मार्क जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपके लिए तीन नंबर देगा और वहीं वन मार्क विल बी डिडक्टेड ईच इन करेक्ट आंसर तो हर एक गलत उत्तर के लिए आपका एक अंक डिडक्ट किया जाएगा ज़ीरो मार्क विल बी अवार्डेड फॉर द ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन अगर आप प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए आपको जीरो मार्क रिगार्ड किया जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पब्लिक हेल्थ सोशल इंश्योरेंस ई टी सी बाई द गवर्नमेंट इन विच टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर राइट आंसर करिएगा आप लोग बिल्कुल राइट right आंसर होगा सोशल एक्सपेंडिचर ऑप्शन नंबर फोर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा वहीं चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेशनल इनकम ऑर्डिनरी मीन्स जो नेशनल इनकम ऑर्डिनरी है ऑर्डिनरीटी है भाई थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन है आप लोग देखिएगा ऑर्डीनरीटी मीन्स तो इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट ऑप्शन नंबर फोर हमारा बिल्कुल राइट right हो जाएगा चलिए देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इन्फ्लेशनरी प्रोसेस इन विच प्राइस आर परमीटेड टू राइज विदाउट एनी कंट्रोल बाई द गवर्नमेंट इज गार्ड इन्फ्लेशनरी प्रोसेस इन विच प्राइज आर परमिटेड टू राइज विदाउट एनी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इज गार्ड तो उसे कहा जाता है ओपन इन्फ्लेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट right हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर Is by, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करिएगा एग्री गुरु जी पर आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर इज कंपाइल्ड बाई दैट राइट आंसर इज लेबर ब्यूरो एल बी ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन लाइज एट अ पॉइंट वेयर कह रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन लाइज एट अ पॉइंट वेयर दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एम पी पी इज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में वह लाई करता है एट द पॉइंट वेयर कहां पर तो जहां मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एम मैक्सिमम होता है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नीटा फर्स्ट फॉर नेसेसरी कमोडिटी इज कह रहा है वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी कमोडिटी टू बिल्कुल राइट आंसर जीरो इज स्मॉलर नीटा फर्स्ट इज ए स्मॉलर फर्स्ट जहां पर भी ये हमारा रहेगा वहां पर हम जान लेंगे कि इनका इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल है आगे बात करेंगे नंबर के क्वेश्चन की अंडर डिस्ट्रेस सेल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस फॉर अ फार्मर अंडर डिस्ट्रेस सेल वाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस फॉर अ फार्मर दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड मार्केटेड सरप्लस इज ग्रेटर दैन मार्केटेबल सरप्लस अर्थात मार्केटेड सरप्लस जो होता है वो बड़ा होता है मार्केटेबल सरप्लस से सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, so, right है आठवा प्रो क्वेश्चन अमोनोपोलिस्टिक कंपटिशन इन द इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है मार्केट स्ट्रक्चर वेयर जहाँ मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वह कहाँ पाया जाता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा दियर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग डिफर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बट क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग थ्री आरस ऑफ क्रेडिट टू तो टेस्ट द इकोनॉमिक फेसिटिबिलिटी ये जो थ्री आर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग थ्री आरस क्रेडिट टू तो टेस्ट द इकोनॉमिक फेसिटिबिलिटी फेसिबिलिटी है फेसिटिबिलिटी नहीं है फेसिबिलिटी है देन राइट आंसर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा इंक्लूड नहीं किया जाता थ्री आर में जबकि रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट राइट रहेगा रीपेमेंट कैपेसिटी राइट है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी दैट ये तीनों हमारा थ्री आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा थ्री आर क्रेडिट में इंक्लूड नहीं किया जाता सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट एम सी इज इक्वल टू दैट राइट आंसर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द टोटल कास्ट एंड चेंज इन द टोटल आउटपुट देन सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अ डिफरेंस कर्व शो द डिफरेंस कर्व क्या करो करता है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा वेरियस कंबिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज इल्डिंग सेम लेवल ऑफ़ सटिस्फैक्सन जहाँ पर हमारा कम्बिनेसन हो टू कमोडिटी का इल्ड सेम लेवल ऑफ सेटिसफेक्सन प्रोड्यूस करती हैं वो हमारा क्या होता है एंड इन कर्व शो करता है बिल्कुल आपसा नंबर फर्स्ट हमारा राइट right हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग और आपको फिर से बता दें एम एस सी एग जी और दो हज़ार सत्रह का ये साल प्रश्न पत्र है जो भी भाई बहन बी एच ओ की तैयारी कर रहे हैं एम एस सी एग्रीकल्चर की वो लोग तुरंत जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लियाबिलिटीज ऑफ अ फार्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कार्ड तो उसे क्या कहा जाता है बिल्कुल उसे कहा जाता है बैलेंस सीट ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मेंटेनेंस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी अप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सिस्टम इज फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है या कौन सा है तो हमारा क्रॉप रोटेशन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की तरफ ऑफ द फॉलोइंग इज अल प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डे न्यूट्रल प्लांट तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सन फ्लावर जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट नेक्स्ट वन इज मोस्ट सुटेबल सीरियल क्रॉप फॉर पी एच रेंज फोर टू सिक्स इज कह रहे पी एच चार से छः पर मोस्ट सुटेबल क्रॉप कौन सी है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राइस राइस इज सुटेबल क्रॉप फॉर द पी एच रेंज ऑफ फोर टू सिक्स नेक्स्ट वन इज इंडिकेट द टर्म नॉट रिलेटेड विथ पोटैटो क्रॉप बिल्कुल बल्किंग होता है पोटैटो में ट्यूबराइजेशन भी होता है और सुबेराइजेशन भी होता है बट सिल्किंग जो है ये सिल्किंग किसका है तो ये मेज से रिलेटेड टर्म है सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट अपीयर इन द टर्मिनल बर्ड ऑफ द प्लांट बिल्कुल राइट right आंसर होगा बोरान ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर डिफिशियंसी सिमटम विच न्यूट्रिय एलिमेंट अपीयर इन द टर्मिनल बड कह रहा है किस न्यूट्रियट का जो डिफिशियंसी सिमटम होता है वो टर्मिनल बड पर अपीयर होता है दिखाई देता है तो वह बोरान हमारा राइट right आंसर हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन जनरल बेस्ट मेथड ऑफ फर्टिलाइजर अप्लीकेशन इन सीरियल क्रॉप एज इन जनरल बेस्ट मेथड ऑफ़ फर्टिलाइजर अप्लीकेशन इन सीरियल क्रॉप एज excess amount of which of the following nutrient in soil cause iron and पे चलेंगे in plant? कह रहा है कि किस तत्व की अधिकता हो जाने के कारण सॉइल में आयरन और जिंक की कमी हो जाती है अर्थात अनुपलब्धता हो जाती है जिससे प्लांट उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा फास्फोरस फोरस ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर नेक्स्ट वन की बात करेंगे कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर रिफर्स टू बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा क्या ई टी प्लस मेटाबोलिक नीड्स इवेपो ट्रांसप्रेशन प्लस मेटाबोलिक नीड्स ई टी जो है इसका पूरा नाम होगा ईवेपो ट्रांसपुरेशन देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉर गुड एल्ड इन मोस्ट क्रॉप इरीगेशन इज मस्ट एट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड एल्ड इन मोस्ट क्रॉप इरीगेशन इज मस्ट एट बिल्कुल राइट right आंसर होगा फ्लावरिंग स्टेज ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट वन की बात करेंगे सुटेबल हर्बिसाइड फॉर वीट कंट्रोल इन पल्स क्रॉप बताना है आपको कि पल्स क्रॉप के लिए सुटेबल हर्बिसाइड कौन सा है तो बिल्कुल राइट right आंसर होगा पेंडी मेथिलीन ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर पल्स क्रॉप में घास की रोक घास को रोकने के लिए अर्थात खरपतवार नासी का जो यूज किया जाता है वो पेंडी मेथिलीन का यूज किया जाता है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेजी वेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेजी वेट बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा तो हो जाएगा हमारा डिजेरा एवेंसिस ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट एंसर बात करेंगे ट्वेंटी फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की कन्वॉर्डवरसिस क्लासीफाइड एज तो जो हमारा कन्वर्डव एवेंसिस क्लासीफाइड एज तो उसे किसमें क्लासीफाइड किया जाता है तो पेरीनियल हरबेसियस में इसे क्लासीफाइड किया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा

ऑप्शन नंबर थ्री सोशियलाइजेशन अर्थात सामाजिकता सामाजिकता जो होता है यह बच्चा अपने परिवार पड़ोस दोस्त और सहपाठियों के द्वारा प्राप्त करता है अर्थात उसमें सामाजिकता का विकास होता है सोशलाइजेशन इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द फर्स्ट के बी के वॉज इन फर्स्ट के बीके कहाँ पर लॉन्च किया गया था इन 1974 फर्स्ट के वॉज स्टार्टेड इन पॉण्डी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट एंसर नाउ द करेंट सिशन एंड नंबर ऑफ केबी के चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ट्वेंटी सेवन नंबर के क्वेश्चन पे लर्निंग इज स्ट्रेंथ थर्ड वेन द लर्निंग एक्सपीरियंस इज फॉलोड बाई सेटिस्फेक्शन टू द लर्नर इज लर्निंग इज फॉलोड बाई द लर्नर इज आंसर इज ऑप्शन सेकेंड इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट चलेंगे ट्वेंटी एट नंबर के क्वेश्चन पे टू शो रिलेटिव वर्थ ऑफ प्रैक्टिस ओवर एन ओल्ड वन द एक्सटेंशन मेथड बेस्ट सुन इज बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर आत्मा ऑपरेशन आत्मा ऑपरेट्स एज आत्मा किस रूप में कार्य करता है देन राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट लेवल आत्मा जो है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रीकल्चर वर्क के लिए उत्तरदायी होता है अर्थात ऑपरेट किया जाता है चलेंगे नेक्स्ट थर्टी नंबर का क्वेश्चन है The spread of mobile phones uses in social system relates to the concept of very important question that right answer is diffusion option number first is right answer. Next one is tendency of the people to think of their culture as best is more as tendency of people to think of their कल्चर एज बेस्ट इज मोर एज देन राइट आंसर इज इथेनो सेंट्रिज्मेनो सेंट्रिज्म कहा जाता है उसे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट रहेगा नेक्स्ट वन की बात करेंगे एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज़ नोन एज लर्निंग नेक्स्ट वन की बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर सी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्टार्ट किया गया था राइट right आंसर 1952 सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज लॉन्च वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1952 नेक्स्ट वन वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कह रहा है एक्सटेंशन किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है बिल्कुल राइट right आंसर होगा लैटिन जो एक्सटेंशन है यह लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन क्या होता है बिल्कुल राइट right आंसर होगा प्रोसेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस और कम्युनिकेशन के लिए इसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं उसमें कौन कौन होना चाहिए उसमें मैसेज होना चाहिए सेंडर होना चाहिए मीडियम होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए ये चार माध्यम जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए संचार के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं नेक्स्ट वन की बात करेंगे द स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व फिफ्टी परसेंट ऑफ सेट्स फॉर ओमेन इन द पांडिचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व 50 परसेंट ऑफ सीट्स फॉर वोमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन सा राज्य जो 50 परसेंट सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट वन की बात करेंगे इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट इज सिचुएटेड एट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड राइट आंसर नीदरलैंड इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट जो है वो नीदरलैंड में है नेक्स्ट वन की बात करेंगे डहलिया इज प्रोपोगेटेड थ्रो डहलिया जो है वो किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है तो देन राइट आंसर इज ट्यूबर डहलिया ट्यूबर के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है नेक्स्ट वन की बात करेंगे विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक फॉर रोज प्रोपोगेशन इन नॉर्थ इंडिया अभी मैं हम लोगों ने एग्रोफॉरिस्ट्री का कल सॉल्व पेपर देखा तो उसमें भी ये क्वेश्चन था तो बिल्कुल आप लोग एक भी पार्ट मिस नहीं करिए एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉड टर्म कौन से सब्जेक्ट का किस में पूछ लेगा आपसे कोई गारंटी नहीं है सो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखा करिए अगर वाकई अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर इंडिका वेराइटी ओडोराटा रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट वन इज ट्यूबरोज बिलोंग टू द फैमिली ट्यूबरोज की फैमिली कौन सी है तो अमेली होती है ट्यूबरोज की फैमिली अमारी लिडेसी इसका आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं जैसे भी हो रॉक गार्डन इज सिचुएटेड एट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रॉक गार्डन है वह कहाँ है तो दैट राइट आंसर इज चंडीगढ़ रॉक गार्डन इज सिचुएटेड एट चंडीगढ़ नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन सोट इज द गिवन नेम गिवन टू द सीड ऑफ जो इंडियन सोट इज द नेम गिवन टू द सीड ऑफ राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल कन्ना कन्ना इज राइट आंसर फॉर फोर्टी टू क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्टी थ्री नंबर का सुगर प्रेजेंट इन जेली शुड बी सुगर कितना उपस्थित होना चाहिए जेली में तो सुगर जो होता है वो साठ से पैंसठ परसेंट चीनी का कंसंट्रेशन होना चाहिए जेली में हम लोग ऐसे भी इसे समझ सकते हैं चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ बनाना इज कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन दैट इज राइजोम ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंटेड गर्ड इज़ प्रोपोगेटेड बाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंटेड गर्ड होता है वो किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है तो वो हमारा स्टेम कटिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आम्रपाली इज अ क्रॉस बिटवीन आम्रपाली किन के किनके बीच में क्रॉस है तो बिल्कुल यहाँ पर बराबर ए कर दीजिए हो जाएगा क्या डी एन ए दशहरी गुड़े नीलम इज इक्वल टू आम्रपाली ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर गुआवा फ्रूट इज बॉटेनिकली नोन एज जो अमरूद का फल है उसे बॉटेनिकली वनस्पतिक रूप से क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है बेरी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड बेरी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैंगो इनफ्लोरोसेंस कंटेन विस टाइप ऑफ फ्लावर जो आम का पुष्प होता है इन्फ्लोरोसिज होता है वह किस प्रकार के पुष्पों को कंटेन किए रहता है और बियर किए रहता है तो दैट राइट आंसर इज मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन केसिन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम आप सभी लोग जानते होंगे दुग्ध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन मिल्क प्रोटीन के नाम से भी इसे जानते हैं तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड और मिल्क में यह केसिन किस रूप में उपस्थित होता है तो यह इमल्सन के रूप में उपस्थित होता है यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रीनिश कलर ऑफ चना वे इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो चना वे है उसका जो ग्रीनिश कलर होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है तो राइट right आंसर होगा राइबोफ्लेविन ऑप्शन नंबर सेकेंड फ्लेविन की उपस्थिति के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज राइट आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा हमारा ह्यूमन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज जो होता है वो ह्यूमन के मिल्क में होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग द मिल्क सॉलिड नॉट फैट एस एन एफ जिसे बोलते हैं तो मिल्क सॉलिड नॉट फैट इन स्कीम मिल्क सुड नॉट बी लेस देन कह रहा है एस एन एफ जो है वो स्कीम मिल्क में कम से कम कितना होना चाहिए और उससे नीचे नहीं जाना चाहिए लेस देन कह रहा है कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए तो लोअर लिमिट क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा एट पॉइंट सेवन परसेंट आठ दशमलव सात परसेंट से कम एस एन एफ मिल्क में नहीं होना चाहिए फिफ्टी थ्री नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग थ्योरेटिकली तो मै मैक्सीम ओवर टन इन बटर कैन थोड़ा सा ही इसमें दिक्कत है कुछ लग रहा है हमको थ्योरेटिकली है राइट right है द मैक्मम ओवर टन इन बटर कैन भी ओके गुड तो कितना होना चाहिए थ्योरेटिकली तो मैक्सीम टन नहीं होगा ओवर रन होगा सॉरी ये ओवर रन है ओवर रन इन बटर कैन बे तो कितना होना चाहिए तो राइट right आंसर होगा हमारा पच्चीस परसेंट ये थियोरेटिकली जो मैक्सिमम ओवर रन होता है बटर में वो कितना होना चाहिए तो पच्चीस परसेंट होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पुराना पेपर होने के नाते ना इसमें जो वर्ल्ड वगैरह हैं वो क्लियर बहुत नहीं हो पा रहे हैं बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको रिजोल्यूशन अच्छा प्रदान किया जाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ cream, क्रीम fat कंटेंट ऑफ फ्रेश स्वीट क्रीम इज फर्स्ट स्टैंडराइज टू तो राइट आंसर होगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्वेंटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे ए अटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर फॉर सेपरेशन ऑफ मिल्क इज देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री फोर्टी डिग्री नेक्स्ट वन की बात करेंगे इन इंडिया फॉर आइसक्रीम द वाइडली मैनुफेक्चर स्टेबलाइजर इज़ जो स्टेबलाइजर होता है आइसक्रीम मैन्युफैक्चर के लिए वाइडली यूज किया जाता है कौन सा बिल्कुल सोडियम एल्गिनेट नेक्स्ट वन की बात करेंगे आरएम वैल्यू ऑफ घी मेजर द आर्य वैल्यू ऑफ घी रिलेटिव मॉइस्चर वैल्यू ऑफ घी मेजर द तो क्या मेजर किया जाता है तो बिल्कुल स्टीम वोलेटाइल वाटर सल्यूबल फैटी एसिड को मेजर किया जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इफिशियंसी ऑफ मिल्क पॉइराइजेशन इज डिटरमाइंड बाई राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा फॉस्फेटेज फास्फेटेज टेस्ट ऑप्शन नंबर फोर राइट हो जाएगा नेक्स्ट फिफ्टी नाइन ड्यूरिंग दही प्रोडक्शन इनकूलेटेड इनाकुलेटेड मिल्क इज नॉर्मली इनक्यूबेटेड एट बाई ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव डिग्री फॉर दही बनाने के लिए जो मिल्क होता है उसे इनकूबेट किया जाता है बाईस से पच्चीस डिग्री टेम्परेचर पर कितने घंटे के लिए तो राइट आंसर होगा सिक्सटीन टू एटीन हावर्स Which one of the following dried milk is manufactured maximum in India? That right answer is skim milk powder. Next one breeding value of an individual is breeding value of an individual is then right answer is sum of average effect of gene. Option number first is right answer. Next इफ़ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पेरेंट एंड एस इज इक्वल टू सैंपल साइज ऑफ क्रॉस द नंबर ऑफ क्रॉस इज रिक्वायर्ड फॉर पार्सियल डायल डायल एनालिसिस कैन बी ऑप्टेंड बाई द फार्मूला दार्मूला इज एन एस बाई टू अर्थात नंबर ऑफ पेरेंट इन टू सैम्पल साइज ऑफ क्रॉस इन दोनों का आपस में गुड़ा करके बट्टे दो कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या पार्शियल डायलल एनालिसिस नेक्स्ट वन की बात करेंगे ज्वाइंट स्केलिंग टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट जो ज्वाइंट स्केलिंग टेस्ट होता है वह क्या ज्ञात करने के लिए होता है तो प्रेजेंस ऑफ अर्थात इपिस्टाइस्टिस की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिज वाज डिस्कवर्ड बाई ए एम भी वायरस बाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एच टेमिन एंड डी बाल्टी मोर नेक्स्ट वन की बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर डी एन ए ट्रांसक्रिप्शन राइट आंसर राइबोसोम इज नॉट नीडेड फॉर डी एन ए ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफ पार्शियल डोमिनेंस इज प्रजेंट एट अनीटरी लोकस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो इज फिनोटाइपिक रेशियो इज बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सेवन इज टू सिक्स इज टू थ्री ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इफेक्टिव म्यूटाजीन फॉर साइटोप्लाज्मिक जीन इज दैन राइट आंसर इज इथीडियम ब्रोमाइड Next, for exploitation of both additive and non-additive gene effect in cross-pollinated crop, the most effective method is. Will go right answer. Reciprocal recurrent selection. Option number four is right answer. Next one, inbred line can be improved by. Inbred line can be improved by. Transgressive breeding, mutation breeding, back cross method. All of these is right answer for this question. Next one is. The scientist who demonstrated sexually, sexuality in bacteria. Right answer. Lederberg and Tatum. Option number second is right answer. Next one is. A compared to main bacterial chromosome, the size of an episome is? Right answer 1 by 40. Egg sahi uttar hoga. The term mutation breeding was given by very important Hugo de Brige. Right answer. Next one, the process involved in water loss from the leaf surface is called. Very important and easy question. Right answer? Transpiration. Yeah, transpiration. Option number four is right answer. The color pigment involved in flower in plant is very important. Right answer. Phytochrome. Next one is which one of the following plant is very efficient in photosynthesis that right answer is sorghum option number second is right answer next one deficiency of which element cause kera disease in rice is right answer identify the plant hormone involved in initiation of rooting in cutting तो कटिंग जो होता है उसमें रूट को फॉर्मेट करने के लिए इनिशिएट करने के लिए किस हार्मोन का यूज किया जाता है राइट right होगा आई बी ए ब्यूटारिक एसिड ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड राइट आंसर ग्लूटामिक एसिड द कन्वर्जन ऑफ सुगर टू पायरूविक एसिड इज कार्ड जो ग्लूकोज होता है अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा ध्यान से तो ये क्वेश्चन आपके लिए लिएजी है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज से स्टार्ट होती है और पायर्विक एसिड पे समाप्त होती है टोटल चौदह स्टेप से गुजरना पड़ता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सी थ्री प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट सी थ्री प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है राइट right आंसर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड सी थ्री का होता है नेक्स्ट वन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज कैटलाइज बाय राइट आंसर लाइपेज ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेशर ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट वन विच एलिमेंट इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट राइट आंसर मोलिप्टेनम नेक्स्ट वन इज विच हार्मोन कॉज लीव सेंसेंस एंड एजिंग राइट आंसर हो जाएगा ए बी ए इंडोल ब्यूटारिक एफसीसिक एसिड सॉरी एफ एसिड ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन आई टी सी सी इज अ कलेक्शन ऑफ राइट आंसर फंजाई फंगी दर्म नेक्रोसिस इंडिकेट नेक्रोसिस क्या इंडिकेट करता है बिल्कुल डेथ ऑफ सेल ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट नेक्स्ट वन द बैक्टीरियल सेलवाल इज मेड ऑफ बैक्टीरिया का जो सिलवाल होता है वो किससे बना होता है तो वो म्यूरेमिक एसिड से बना होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर नेक्स्ट वन निधम इज एसोसिएटेड विथ स्टडी ऑफ निटोड ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट द मूंग विन येलो मोजेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई एंड राइट आंसर इज वाइट फ्लाई नेक्स्ट द कोच पास्युलेट अगर आप कोश पास्युलेट को नहीं जानते हो तो ये दुर्भाग्य की बात है कोच पास्युलेट्स में तीन फैक्टर को बताए थे जिन्होंने जिनमें उन्होंने क्या बताया हॉस्ट होना चाहिए इन्फेक्शन करने वाला होना चाहिए क्लाइमेट होना चाहिए द कोच पास्युलेट्स इज इसेंशियल टू एस्टेब्लिश राइट आंसर पैथोजेनिसिटी हॉस्ट होना pathogen होना चाहिए चाहिए पैथोजन और फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए कोस्ट पासुलेशन ये इंडिकेट करता है और पैथोजे आगे बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा इज कंप्लीटली टोटल स्टेम पैरासाइट ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर द ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज कास्ट ड्यू टू

बैक्टीरिया के द्वारा होता है अगला क्वेश्चन है विस टाइप ऑफ डिजीज कैन नॉट बी मैनेज बाई क्वारंटीन राइट आंसर एयर बॉर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर नेक्स्ट वन टॉक्सीन पेरिकुलेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दी ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विद ऑरिजिन ऑफ सॉइल इज्लाट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज कार्ड एज देर इज पेडोलॉजी ओरिजिन ऑफ सॉयल इसके वर्गीकरण इसके उत्पत्ति और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वहीं अगर स्ट्रक्चर वगैरह की बात करेगा तो वो हमारा इडेफोलॉजी हो जाएगा रिलेटिव प्रपोर्सन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन दॉयल इस कार्ड जो रिलेटिव प्रपोर्सन होता है उसे सॉयल टेक्स्चर कहा जाता है नेक्स्ट वन इज रेसिस्टेंट ब्लॉक गिव रिजनेबल गुड मॉइस्चर रीडिंग इन द रेंज ऑफ दे राइट आंसर इज माइनस वन टू माइनस फिफ्टीन बार पोटेंशियल ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर Top growth of plant is normally satisfactory as long as the oxygen diffusion rate remain above. Right answer is 30 to 40 into 10 power minus 8 gram centimeter square per minute. Option number second is right answer. Next, native charge on organic colloidal originates due to presence of. Then, right answer is carboxyl and Phenolio group. Option number second is right answer. Next one, which one of the following one is to two type clay mineral? Easy question and important question that is necrite. Next, measurement of pH of a soil indicate that right answer is. ऑप्शन नंबर सेकंड एक्टिव एसिडिटी नेक्स्ट वन की बात करेंगे द फेवरेबल क्लाइमेट फॉर द ऑपरेशन ऑफ पोर्टलाइजेशन प्रोसेस राइट आंसर कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉयल टेक्सोनॉमी इज दैट इट इज बेस्ड अपॉन Miserable soil property option number third is right answer biofertilizer are right answer option number second culture of microorganism is known as biofertilizer next one cn ratio of a normal cultivated soil ranged between right answer 10 to 12th option number third is right answer जो नॉर्मल सी एन रेशियो होता है वो दस से बारह होता है द डिजीज ऑफ राइस इज कास्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिय जिंक ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्लास इन द फाइलम आर्थोपोडा राइट आंसर इंसेक्टा ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट वन ग्रेविड फीमेल्स ऑफ ड्र डसिका मेन्जीफेरा फेरिया लेज एक जो ड्रॉसिका मैंजीफेरिया होती है वह कहाँ पर अंडे देती है तो दैट राइट आंसर इज अंडर सॉइल क्लॉड्स अंडर सॉयल क्लॉड्स नेक्स्ट वन इज यूज ट्रैप क्रॉप फॉर मैनेजिंग एंड इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन कम अंडर द मेथड ऑफ दैट राइट आंसर इज कल्चरल कंट्रोल ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट Next, mustard sawfly belong to the order. Mustard supply belong to the order of Hymenoptera. Option number third is right. Next one, bunchy top in sugarcane are caused by. Right answer, top borer. Option number four. नेक्स्ट वन पॉलीमोरफिजम इज फाउंड इन राइट आंसर मस्टर्ड एफिड नेक्स्ट वन नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ वाइट ग्रब इन अ ईयर एक ईयर में वाइट ग्रब का जो जनरेशन होता है वो कितना होता है तो राइट आंसर वन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर नेक्स्ट वन इरूसी फार्म लारवा आर कामन इन कैटरपिलर बिलोंगिंग टू आर्डर जो इरूसी फार्म लारवा होता है वह कैटरपिलर है कौन से कैटरपिलर का है जो बिलोंग करता है लेपिडॉपटेरा से जो इरूसी फार्म लार्वा होता है वो लेपिडॉपटेरा से रिलेटेड होता है नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग मेनी इंसेक्ट्स अंडर गो हाइबर्नेशन इन रिस्पॉन्स टू राइट आंसर इज लो टेम्परेचर हाइबरनेशन का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर के कारण निष्क्रियता इन ऑफ हाई लो टेम्परेचर दैट इज नोन एज हाइपर एंड एस्टिवेशन इज नोन एज इन ऑफ हाइयर टेम्परेचर अधिक तापमान हो जाएगा जिस कारण से वे निष्क्रिय होंगे तो वो एस्टिवेशन होता है दैट राइट एंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टीसाइड Of microbial origin right answer is spinosad option number second is right next asymmetrical mouth part are found in that right answer is option number first thrips next which one of the following is insectivorous in nature very important कॉक्सिनेला सेप्टिम पंकुलाटा ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर आई होप गाइस आप लोग को मज़ा आया होगा ये सेशन में अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर करना ज़रूर उसको नहीं भूलना शेयर करना और आप लोग ऐसे ही सॉल्व पेपर के लिए बने रहिए एग्री गुरु जी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए एग्री गुरु जी